जंगे यरमूक इकरमा बिन अबी जाल फतेह मक्का वाले दिन भी उन्होंने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ना। खालिद बिन वलीद का मुकाबला भी उन्होंने किया, आखिरी बार भी रास्ता रोकया। खालिद बिन वलीद एक बार तलवार चलाई, उन्होंने बंदे काफ़ी सारी रगड़ दिते। हजूर इधरों तशरीफ ले आ रहे सन जन्नत उल मौला वालों, फातिहाना अंदाज हजूर ने तलवारा चमकदियाँ वेखियां मिसफला वालों, तो हजूर ने फरमाया मैं जो मना किया तलवार नहीं चलानी तो कौन तलवार चला रहा। अरज की जी खालिद बिन वलीद चला रहे। हजूर ने फरमाया बुलाओ, उन्होंने बुलाया, फरमाया मैं मरा रोके जो है तुम क्यों चलाई। अरज की हजूर अगो खड़े जो हो गए सर मैं की कर दूँ। तो फिर मैं उन्होंने एन जो एक बारी किया तो सारे रगड़े गए, एको तलवार चली बस। ये फिर नस गए मक्का छोड़ के, मक्का छोड़ के इकरमा हजरत अबू हजरत इकरमा नस गए अबू जाल के पुत्र। इन्हें कहा मैं हजूर का कलमा नहीं पढ़ना। इन्हें बीवी उम्मे हकीम रसूलुल्लाह को आईया, तो हजूर ने फरमाया जिथे इकरमा मिले इन कतल कर दो। तो इन्हें बीवी आई अरज की थी हजूर सारे माफ़ी मिली थे मेरे शौहर को नहीं मिल सकती। हजूर मैं माफ़ी हो गई। अरज की थी हजूर अबू जाल का पुत्र है उन्हें किसी मौके पर तुहाड़े खिलाफ साजिश छोड़ी नहीं, वो कोई निशानी मंगेगा। हजूर ने अपनी मुबारक चादर दे दी। तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा, तो हजारा रंगा में चरंगे दे मोहन। असी उन्होंने दर दियां गल्लां कर रहे, लोग कह देंगे सियासी बातें करते झूठ मोर लो। उम्मे हकीम कह दें मैं चादर ली थी मैं घोड़े से सवार हुई थी। ओ यमामा कश्ती से जा सवार हो कहते मैं जाना है। वो कश्ती वाले कवन बिस्मिल्ला पढ़ो, वो कहने लगे मैं बिस्मिल्ला तू तो नस्या मैं तो नहीं पढ़नी। इतनी देर उन्होंने बीवी पीछे चली गई, उन्हें क्या रसूलुल्लाह माफ़ी दे दी। उन्हें क्या नहीं मैंने तो माफ़ी नहीं मिल सकती। उन्हें क्या ए हजूर ने चादर दी। वो लंबा सफर है, वो कई जुमे दियाँ तकरीर आप अपने शौहर को लैके आईया, तो हजूर ने पता है कि फरमाया जो सहाबा बैठे सन फरमाया जा इकरमा तो मोमिनन मुहाजरन ला तसुब्बू अबा। फरमाया इकरमा आ रहा मन के आ रहा सब कुछ छोड़ के आ रहा, उसकी मौजूदगी जो प्यो न गाल नहीं कड़नी। अंधे शीशे झला झल दमकने लगे। जब हजरत इकरमा आए ना तो हजूर इतनी तेजी नाल उठे कि हजूर की मुबारक चादर कंधे तो ढह पई। ए गल्ला दसनिया सन्ना दुनिया ने तुसी अकवामे मुतहदे जाके बई फिर तुसा के कीता अकवामे मुतहदे आलिया तुसा लखा लोग मार के इराक शाम ते सानू अदद दे दर्स दे दियो। इत्थे तर अबू जाल दे पुत्र नू भी चादर भी मिल गई ते हजूर ने सामने बिठा के हजूर ने फरमाया गल गल मुक गई। अरज की हजूर इंज नहीं मैं बड़ी बड़िया दुश्मनियां तुहाडे नाल कीतियां बड़िया बड़िया हजूर मेरे सामने दुआ मंगो मेरे वास्ते तुसी ऐ दुआ मंगो मैं जिहड़ी तुहाडे सामने बेअदबी की रब वह भी माफ़ करे जिहड़ी मैं कंड पिछे तुहाडियां मुखालफत की। हजूर ने जदों दुआ मंगी ना अरज की हजूर बस हुण वेखो मैं इस्लाम वास्ते किवें काम करना। जंगे यरमूक च लोड़ पै गई, उन्होंने 6 लाख बंदा सहाबा 36,000 हजरत इकरमा घोड़े तो थले आ गए। फरमाया भाई बस इकरमा हूँ जिंदगी नहीं चाहती इतने मौत से बैत करो। हजरत खालिद आ गए फरमाओ अज बड़ी लोड़ है उन्होंने कहा पिछे हटो असं पिछलियां सफा च आया अज कजा करना चाहते हैं सारे। बस गल तो इतनी सी हजूर दाना त्यादा उ फिर जनाब आपके बेटे ने पहले बैत की अमर बिन इकरमा, फिर आपने चाचे ने बैत की जनाब हारिस बिन हिशाम आके बैत की, फिर हजरत दरार बिन 400 सहाबा ने मौत उत्ते बैत की। दोवें बाप बेटा जंगे यरमूक शहीद हो गए, हजरत इकरमा भी ते पुत्र भी अबू जाल का पुत्र भी ते पोतरा भी शहीद हो गए। तो हजरत खालिद बिन वलीद दे आपने एक जड़ा रान उत्ते इकरमा का सर रखा तो दूसरे ते उन्होंने पुत्र का रखा। हजरत इकरमा अख खोली फरमाया खालिद गवाह रहना पिछलियां सफा च आया लेकिन कम करके जा रहा।